एसओटी रचाकुंडा ने आयशा किरण मटेटी नामी खातून को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जो मासूम लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे वसूल करती थी। पुलिस ने इसके कब्जे से सोने चांदी के तलाई जेवरात और 2 लाख रुपए की नकद रकम, मोबाइल फ़ोन जब्त किया। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। रचाकुंडा के एसओटी पुलिस एडिशनल डीसीपी सुरेंद्र रेड्डी साहब और उनकी टीम ने एक आशा किरण मटेटी नाम की वाइट कॉलर क्रिमिनल लेडी को अरेस्ट किया है। इसका साथी जो है उसका नाम है हेमंत, वो अभी फरार है। इस लेडी ने मेरे अमेरिकन बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ तक का फंड जमा है। वो फंड लाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है करके कोटागिरी रामाराव नाम के नेल्लोर के आदमी को 1,18,00,000 रुपए को चिट किया। पिछले महीने 52 लाख रुपए उसको वापस किए, बट बाकी जो अमाउंट था उसके लिए ये अम्मा आगे पीछे कर रही थी, और इसके दरमियान बैंक में से भी काफ़ी पैसा इसने विड्रॉ किया। बैंक मैनेजर ने भी कंप्लेनेंट को अलर्ट किया। इस लेडी ने तकरीबन 30-40 लाख रुपए के ज्वेलरी, उसके साथ 10 लाख रुपए कुछ इंश्योरेंस में भी इसने लगाए, और कुछ पैसा बाहर में खर्चा किया है। इसके पास से तकरीबन अभी 23 लाख रुपीज़ वर्थ गोल्ड, 2 लाख रुपए कैश और 2 सेलफोन हमें बरामद हुए हैं। 2013 में ये पहली बार एडवर्स नोटिस में आई। महाकाली पुलिस में इसके खिलाफ सिमिलर केस नमूद है। उसके बाद 2018 में चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में अपने बाजू वाले के गहने इसने मॉर्गेज किए, उस बारे में इसके खिलाफ केस नमूद हुई थी, उसमें इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। महाकाली केस की ट्रायल अभी चल रही है। ये अम्मा जो है आशा किरण मटेटी काफ़ी एजुकेटेड है। यहाँ इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद उसने अमेरिका के यूनिवर्सिटी में भी मरीन बायोलॉजी में पीएचडी करने का प्रयत्न किया था, वो बीच में छोड़ दिया। बाद में 5 साल तक अमेरिका में इसने जॉब भी किया है, और दुबई में भी 1 साल जॉब किया है। VFX इफेक्ट जो है, जो खासकर हम बाहुबली और बाकी सिनेमाओं में देखते हैं, उसके बारे में ग्राफिक्स का इसको और वो हेमंत को दोनों को अच्छा उसमें नॉलेज है, और उससे चलते हुए इन लोगों को एक कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। जैसे इस केस का जो कंप्लेनेंट है कोटागिरी रामाराव, उसकी मुलाकात कोई कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई, और पैसे का लालच दिखा के उसे तकरीबन 1,18,00,000 रुपए का उसके साथ ये लेडी ने धोखाधड़ी की है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन में अभी हमने केस समूह किया है, और अभी उसे रिमांड भेज रहे हैं। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे एसओटी के एडिशनल डीसीपी सुरेंद्र रेड्डी, सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण, कांस्टेबल पाशा और हमारे महिला एसपीओज और कांस्टेबल, इन सभी को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा। VFX इफेक्ट जो है, जो खासकर हम बाहुबली और बाकी सिनेमाओं में देखते हैं, उसके बारे में ग्राफिक्स का इसको और वो हेमंत को दोनों को अच्छा उसमें नॉलेज है, और उससे चलते हुए इन लोगों को एक कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। जैसे इस केस का जो कंप्लेनेंट है कोटागिरी रामाराव, उसकी मुलाकात कोई कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई, और पैसे का लालच दिखा के उसे तकरीबन 1,18,00,000 रुपए का उसके साथ ये लेडी ने धोखाधड़ी की है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन में अभी हमने केस समूह किया है, और अभी उसे रिमांड भेज रहे हैं। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे एसओटी के एडिशनल डीसीपी सुरेंद्र रेड्डी, सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण, कांस्टेबल पाशा और हमारे महिला एसपीओज और कांस्टेबल, इन सभी को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा।